नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन ऑफिशियल में। दोस्तों, आप लोगों का व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में तो हमने कारक से पहला चैप्टर लेकर आए हैं और आप लोगों का याद से टेस्ट सीरीज भी शुरू होने जा रहा है, BTS बाहुबली टेस्ट सीरीज। आप लोग जो मैट्रिक एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसमें देखते हैं इस बार का बिहार टॉपर कौन आता है, और उसी के लिए मैंने BTS के नाम से, बाहुबली टेस्ट सीरीज के नाम से ऑनलाइन सेवा देने का प्रयास कर रहे हैं। समय तो बचा नहीं है, मुश्किल से 5 दिन समय बचा है, तो इसीलिए हम सारे व्याकरण के जितने चैप्टर है मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा दूंगा, और आप लोग धैर्य रख कर रहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सब पुस्तकें छात्र प्रतीयते किस सूत्र का उदाहरण है? तो पता होगा, अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग क्लास में पढ़ते होंगे तो पता होगा आपको कि जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान होती है, जिस लक्षण से, उसमें तृतीया विभक्ति का होता है, और यह जो है वह जो सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे है। तो इसका आंसर हो जाएगा इत्थम भूत लक्षणे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, श्री गणेशाय नमः किस सूत्र का उदाहरण है? तो यह है नमः योगे सूत्र का उदाहरण, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, सपादेन खंजर यह किस सूत्र पर आधारित है? तो आपको पता होगा यह जो है यनंग विकार सूत्र का उदाहरण है, अर्थात आपको पता है इसका व्याख्या क्या होता है, मनुष्य के जिस अंग में विकार उत्पन्न हो, मनुष्य के उस अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है, वह पैर से लंगड़ा है, ठीक, इसका यही हिंदी होगा। चौथे क्वेश्चन की ओर चलिए, चौथा क्वेश्चन, जटाभि तापस, यहाँ जटाभि में कौन सी विभक्ति है? तो याद रखिएगा जटाभि में तृतीया विभक्ति है। चलिए पाँचवें क्वेश्चन की ओर चलिए, दिनेश पित्रा स हट्टम गस्ती यह किस सूत्र का उदाहरण है? यह सारथी तृतीया सूत्र का उदाहरण है। सारथी तृतीया सूत्र याद रखिएगा, सारथी तृतीया अर्थात सात के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। छठा क्वेश्चन है, मह्यम मिष्टानाम रोचते यह किस सूत्र का उदाहरण है? रुच्यर्थानाम प्रियमान है। सातवां क्वेश्चन देखिए, रामेण सह सीता वनम गतवती इस वाक्य में रेखांकित पद रामेण में तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र है, अर्थात कौन सा सूत्र है? सारथी तृतीया, इसको याद रखिएगा। आठवां क्वेश्चन देखिए, कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति इस वाक्य में रेखांकित पद से में सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र है, यतश्च निर्धारणम्, याद रखिएगा। दरिद्रान भ्रय कौन्तेय इस वाक्य में दरिद्रान भ्रय में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है, इसको याद रखिएगा। दसवां क्वेश्चन देखिए, विद्या विवेदाय धनम मदाय तो यहाँ विवेदाय और मदाय में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, ठीक, बालका शब्द रूपावली एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक, उसका भी हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में लेकर आएंगे शब्द रूपावली से संबंधित क्वेश्चन। देखिए, क्रोशम कुटिला नदी यह किस सूत्र का उदाहरण है? काला दोनों अत्यंत संयोगी द्वितीया, ठीक, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पितृभ्य सुधा इस वाक्य में पितृभ्य पद में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्या विवेदाय धनम मदाय यह किस सूत्र का उदाहरण है? तदार्थीय चतुर्थी, जिसके लिए कोई चीज़ हो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, मृग व्यग्रात विभेति यहाँ विग्रात में कौन सी विभक्ति होती है? ठीक, भी धातु और त्रा धातु के युग में पंचमी विभक्ति होती है, न मृग बाघ से डरता है, पंचमी विभक्ति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आत्मनः पुत्रान पाठ्यति इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, कौन सी है? उसके बाद देखिए, हरिये रोस्ते भक्ति इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन विभक्ति है? चतुर्थी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स अक्षण काना वर्तते इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो याद रखिएगा,
अक्षणा में तृतीया व्यक्ति होती है। यानंग विकार सूत्र का पहले ही बता दिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भिक्षु काय भोजनम ददाति, इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी व्यक्ति है? चतुर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाध्याय अधीते, यह किस सूत्र का उदाहरण है? अख्यातोपी योगे, जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाती है उसमें पंचमी व्यक्ति होती है। ठीक, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्वा पद में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, तर्वा। ठीक, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरुवा प्रश्न पृच्छति, इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन विभक्ति है? प्रथमा। देखिए यहाँ डैश नम है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, इसमें क्या पड़ेगा? श्री गणेशाय होता है, अर्थात इसमें गणेशाय भरा जाएगा। पुरंद्रा का पर्यायवाची है इंद्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, ओ भूयते पद में मूल धातु है भू। वसुधा का पर्यायवाची है पृथ्वी। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, प्रवासिशु किस विभक्ति का रूप है? सप्तमी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कव्य छंदांसी रचयंती, इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन विभक्ति है? द्वितीया। ठीक, उसके बाद देखिए, स्ववीर्य गुप्ता ही मनोह प्रसूति, इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन विभक्ति है? तो याद रखिएगा, षष्ठी विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स अक्षणा कौन वर्तते, इस वाक्य में रेखांकित पद अक्षणा में तृतीया व्यक्ति विधायक सूत्र है, अर्थात किस सूत्र का उदाहरण है? यनंग विकार। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, स चोड़ात विभेति, यह किस सूत्र के आधार पर हुई है? वितर्थानाम भय हेतु। अगला क्वेश्चन देखिए, राम सीताम विना खिन्नम अस्ति, इस वाक्य में रेखांकित पद सीताम में विभक्ति है, अर्थात सीताम में कौन विभक्ति है? द्वितीया। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, अलम विवादेन, इस वाक्य का विधायक सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, राम सीत्या सह वनम व गच्छत, इस वाक्य में रेखांकित पद में विभक्ति है तृतीया, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स गुणो व्याकरणम पठति, यह किस सूत्र के आधार पर हुई है? अख्यातोपयोगे पंचमी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, रुदता शिशो माता जगाम, यह किस सूत्र का उदाहरण है? षष्ठी चनाद्रे, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वशिष्ठस्य पत्नी, यह किस सूत्र का किस सूत्र से लिया गया है? षष्ठी से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, भावे सप्तमी सूत्र का उदाहरण है बालानाम रोदनम बलम। ठीक, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिलात सर्प प्रभक्ति, यह किस सूत्र से लिया गया है? भुवा प्रभस्व। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, रामात रावण प्राजयते, यह किस सूत्र के आधार पर हुई है? प्राजेर सोड़ा। ठीक, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वृक्षात पत्राणी पतंती, इस वाक्य में रेखांकित पद में वृक्षात में कौन विभक्ति है? तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यह क्वेश्चन कई बार अनुवाद में पूछा हुआ है, अनुवाद में एडवांस अनुवाद कारक से संबंधित लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट कीजिएगा, और पीडीएफ के लिए ज़रूर मेरा यहाँ पर नंबर शो कर रहा होगा, इस पर कॉल कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, इस वाक्य में रेखांकित पद वृक्षात में विधायक सूत्र कौन है? तो इसमें ध्रुपम पाई अपादनम है। ठीक, उसके बाद है, सर्वकार छात्रेभ्य वृत्तम ददाति, यह किस सूत्र से लिया गया है? चतुर्थी संपादने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगण्य स्वाहा, यह किस सूत्र के आधार पर हुई? नमः स्वस्ति स्वाहा। ठीक, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कच्छप मंदम चलती, यह किस सूत्र के आधार पर हुई है? क्रिया विशेष ने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, काला धोन अत्यंत संयोगे सूत्र का उदाहरण है क्रोशम नदी कुटीला। अगला क्वेश्चन देखिए, परिश्रमम बिना साफल्यम न मिलती, यह किस सूत्र के आधार पर हुई है? विना योगे। ठीक, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेतार पदाय अस्पृहति, यह किस सूत्र के आधार पर हुई है? तो याद रखिएगा, अस्पृहरी अस्पिता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा हिमालयात निसरती, इस वाक्य में रेखांकित पद
हिमालयात में कौन विभक्ति है? पंचमी। ठीक, गंगा से हिमालय निकलती है, यह क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है अनुवाद में। सारथी तृतीया सूत्र का उदाहरण है, रमेश पित्रा सह गृहम गस्ती। ठीक, सात के अर्थ में तृतीया व्यक्ति होती है, तो सह जहाँ लगा रहेगा तो आप लोग वहाँ जाकर टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है गंगा हिमालयात निसरती। इस वाक्य में रेखांकित पद में हिमालयात में विधायक सूत्र है, अर्थात कौन सूत्र है? ठीक, भूभा प्रवस्त, जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न हो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। कहाँ से गंगा निकल रही है? हिमालय से, तो इसीलिए हिमालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगर इसका PDF चाहिए तो आप स्क्रीन पर नंबर शो कर रहा होगा, इस पर WhatsApp पर मैसेज कीजिएगा, आपको इसका PDF मिल जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।